वैगनार टेबल की मैच्योर हुई। इस ग्रुप के पीछे हम काफ़ी दिन से लगे थे और लगातार प्रयास चल रही थी कि इसको हम लोकेट कर सकें, और 6 अगस्त को हम इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिली, जिसकी सूचना सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर की गई और सब ने मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। और दौरान ऑपरेशन 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए, 1 या 2 और के होने की संभावना है जिसकी तलाश चल रही है। जो आपने कहा कि जम्मू के खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को देखने को मिलती हैं, कुछ इनकाउंटर भी हुए, इसकी वजह यह है पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमज़ोर थे, अपनी अलग अलग ग्रिड्स को मजबूत किया है जिसमें बॉर्डर की ग्रिड, हाईवे की ग्रिड और जो इंटीरियर एरियाज़ की जिलों की जो ग्रिड है, तीनों ग्रिड बराबर काम कर रही हैं। जहाँ पर पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की कोशिश है कि जो लोग इनके किसी न किस तरीके से बहकावे में आ सकते हैं उनको एक्टिवेट करें, या फिर पुराने लोग जो इनके साथ किसी न किसी सूरत में इन टच रहें उनको रीएक्टिवेट करके उनके ज़रिए से जहाँ पर दहशतगर्दी का जाल फिर से बिछाया जाए। मगर ये खुशी की बात है कि जहाँ जिस तरह का जाल बिछाने की कोशिश अभी तक हुई है उस हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, और आइंदा भी ऐसी कोशिश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से मिलकर जारी रहेगी। अभी आप देखें अगर तो कल डोडा में 3 नए दहशतगर्द तैयार किए गए जिनको जहांगीर सरूरी के ग्रुप को ज्वाइन करना था, वेपन उनको मुहैया हो चुके थे, मगर तीनों के तीनों ज्वाइन करने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिए, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा एक मिलिटेंट और जो चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीज़ा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं, जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर आए LC से, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट से गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। देखिए जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है दहशतगर्द है उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। सीज़फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई वो एक अच्छी बात है, जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक़्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर, उससे पहले डडल के एरिया में है, जो पहले इस तरह की हरकतों में डायरेक्टली मिलिटेंसी को में शामिल नहीं था, अब इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पिछले कुछ अरसे से देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी तक लगभग 50% ऐसी कार्रवाइयों को पूरी तरह नाकाम कर चुकी है, भेजे हुए हथियार पकड़ चुकी है, नारकोटिक्स पकड़ चुकी है, IDs को पकड़ चुकी है, आइंदा भी हमारी इसके ऊपर सख्ती से नज़र रहेगी। अलग अलग फोर्सेज अपनी जगहों पे